हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए रिद्धि पारेख और आज इस वीडियो में हम आपको गाइड करने वाले हैं कि किस तरह से आपको आपकी सीए फाइनल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन करनी है कि जिसके थ्रू आप इजीली अपनी सीए फाइनल के एग्जाम्स को क्रैक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब प्रिपरेशन की बात आती है तो सीए फाइनल की क्लासेस तो आप सब ने की होगी आई गेस। आपकी क्लासेस में आपकी फैकल्टीज़ ने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया होगा रिगार्डिंग योर पर्टिकुलर सब्जेक्ट। बट फ्रेंड्स, सीए फाइनल के एग्ज़ाम्स में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके सामने, जो सबसे बड़ा चैलेंज है, वो ये है कि आपको सारे 8 सब्जेक्ट को एक साथ टैकल करना है। इनकेस अगर एक ग्रुप है तो आपको 4 सब्जेक्ट्स को एक साथ टैकल करना है। ये आपके सामने सबसे बड़ा चैलेंज होता है। तो इसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं आपके सामने थ्रू फर्स्ट ओपिनियन सीए फाइनल टेस्ट सीरीज के, जिसके थ्रू हम आपको पूरी प्रॉपर प्लानिंग और प्रॉपर गाइडेंस देंगे कि जिसके थ्रू आप इजीली अपने सीए फाइनल के एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, सीए फाइनल के एग्जाम पास करने के लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट है, एक प्रॉपर डायरेक्शन, प्रॉपर प्लानिंग एंड प्रॉपर स्ट्रैटेजी। और ये सारी चीज़ें हम आपको पर्सनली करके देंगे फॉर सीए फाइनल एग्जाम्स। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ओपिनियन थ्रू टेस्ट सीरीज हम आपकी पूरी प्लानिंग और स्ट्रेटजी को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो पैटर्न है फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज़ का, वो ये है कि इसमें 2 टाइप के स्कीम होते हैं। एक होता है 3+2 एंड द अदर इज 2+2। जो 3+2 होता है, इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टोटल 5 टेस्ट होती है। उसमें स्टार्टिंग की जो 3 टेस्ट होती है वो यूनिट वाइज टेस्ट होती है, 33% सिलेबस इन ईच यूनिट। एंड लास्ट की जो 2 टेस्ट होती है वो 100 मार्क्स की, यानी कि फुल सिलेबस की होती है। यूनिट की टेस्ट जो होती है वो 50 मार्क्स की होती है। सिमिलरली 2+2 के पैटर्न में एंटायर सिलेबस डिवाइडेड इनटू 2 यूनिट्स, 50% सिलेबस इन यूनिट 1, 50% सिलेबस इन यूनिट 2। लास्ट की 2 टेस्ट जो है फुल टेस्ट 100 मार्क्स की होती है। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी फिक्स डेट शेड्यूल नहीं है। आप इसको 100% अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग दे सकते हैं। और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसके लिए हम आपको एक कस्टमाइज टेस्ट शेड्यूल बना के देंगे कि आपको कौन सा सब्जेक्ट की, कौन सी यूनिट की टेस्ट कब देनी है, कैसे अपीयर करना है और कैसे इसके लिए आपको प्रिपरेशन करना है। तो फ्रेंड्स, ये यूनिट प्लस फुल का कंसेप्ट क्यों है? तो वो इसलिए है क्योंकि छोटे पोर्शन में पढ़ना हमेशा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, ज़्यादा ईजी होता है, पढ़ाई ज़्यादा इफेक्टिव होती है, कॉन्फिडेंस ज़्यादा बूस्टअप होता है। तो आपको सीए फाइनल का स्टूडेंट सिलेबस ही इतना वास्ट है कि सिलेबस को देखकर ही कई स्टूडेंट्स डर जाते हैं। आप छोटे पोर्शन में पढ़िए, आपके लिए पढ़ना बहुत ईजी हो जाएगा। और ये यूनिट प्लस फुल का जो ये स्कीम है उसको हम, मतलब ओवरऑल उसका सिस्टम ये होता है कि आप जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, है ना, फर्स्ट रीडिंग जब स्टार्ट करते हैं, उसी के साथ साथ आप यूनिट की टेस्ट अपीयर करना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब जब आपने पढ़ाई स्टार्ट की, यूनिट 1 का सिलेबस उठाया, उसकी टेस्ट अपीयर कर ली, यूनिट 2 उठाया, उसकी टेस्ट अपीयर कर ली, यूनिट 3 उठाया, उसकी टेस्ट अपीयर कर ली। तो इस तरीके से जब तक आपकी फर्स्ट रीडिंग ख़त्म हो जाती है तब तक आपकी यूनिट टेस्ट भी हो जाती है। और मानिए मेरे फ्रेंड्स, पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप छोटे छोटे यूनिट्स में पढ़ रहे हैं तो आपके ऊपर प्रेशर कम आता है। आपकी फर्स्ट रीडिंग पूरी हो गई, आपके यूनिट टेस्ट पूरे हो गए। सिमिलरली जब आप फर्स्ट रिवीजन करते हैं तो उस टाइम पे आप अपने फर्स्ट फुल टेस्ट अपीयर कीजिए। जब आप सेकेंड रिवीजन करते हैं उस टाइम पे आप सेकेंड फुल टेस्ट अपीयर कीजिए। और तब तक आप एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो चुके होंगे। तो फ्रेंड्स, सेकेंड इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आपके पेपर चेक होके आते हैं उसमें कमेंट्स मेंशन होते हैं कि वेयर यू आर गोइंग रॉन्ग, वेयर डू यू नीड टू इम्प्रूव, आपकी रिपीटेटिव काइंड ऑफ मिस्टेक्स क्या हो रही है, क्या आप प्रेजेंटेशन गलत कर रहे हैं या आप कंसेप्चुअली मिस्टेक कर रहे हैं, क्या चीज़ आपके आंसर में मिसिंग है। ये सारी चीज़ें आपको आपके जो चेक्ड पेपर है उसमें मेंशन होके आती है। तो इसीलिए ये है कि आप जितने जल्दी टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे, आपको आपकी मिस्टेक्स उतने जल्दी आइडेंटिफाई हो पाएगी जो आपके पेपर में कमेंट्स में लिख के आएंगी। और जितने जल्दी आपको अपनी मिस्टेक्स पता चलेगी उतने जल्दी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। जितने जल्दी आप पेपर देंगे उतना ज़्यादा टाइम आपके पास बचेगा उन मिस्टेक्स को करेक्ट करने के लिए। फ्रेंड्स, जनरली स्टूडेंट्स ये करते हैं कि जो टेस्ट है वो एग्ज़ाम्स के एकदम पहले अपीयर करते हैं जबकि एग्ज़ाम्स को बहुत कम टाइम बचा होता है। तो ऐसे टाइम पे प्रेशर भी बहुत हाई होता है और अगर आपको मिस्टेक्स पता भी चल जाए तो उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको प्रॉपरली पढ़ के जो है रेक्टिफाई कर सकें। उस समय जो स्टूडेंट है वो डर जाता है। इसलिए बेटर ये कि आप स्टार्टिंग से टेस्ट लिखना शुरू कीजिए। रिटन प्रैक्टिस से आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्टअप होता जाता है और आपको मिस्टेक्स जल्दी पता चलती है। इस टेस्ट में जो आपने मिस्टेक्स की
आप उसको नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करेंगे, सिमिलरली उसमें जो हुई उसके नेक्स्ट टेस्ट में अवॉइड करेंगे। फ्रेंड्स, इसमें आपका जो आपका कंपटीशन खुद से होता है, ना कि किसी और से। किसी और स्टूडेंट का डेट शेड्यूल कुछ और है, आपका डेट शेड्यूल कुछ और है। आप अपने प्रिपरेशन के लिए प्लानिंग करके आप अपना प्रिपेयर कर रहे हैं, ना कि किसी और से कम्पीट कर रहे हैं। आप सिर्फ खुद से कम्पीट कर रहे हैं। आपके जो लास्ट टेस्ट है उसके मार्क्स को और उसके कमेंट्स को देखते हुए आपको नेक्स्ट टेस्ट में इम्प्रूव करना है, उसके नेक्स्ट टेस्ट में और इम्प्रूव करना है, लाइक दैट। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको ये करना होगा कि जो हमारी जो वेबसाइट है firstopinion.in, इस वेबसाइट पे आपको रजिस्टर करना है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे, आपके क्वेश्चन पेपर्स आपके डैशबोर्ड पे ही अवेलेबल हो जाएंगे। तो आपको अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग वहाँ से क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने हैं, आपको अपने आंसर्स लिखने हैं, और लिखने के बाद आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना है, PDF फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको, और उसको आपको अपने डैशबोर्ड पे ही वापस अपलोड करना है। आप PDF में यूजिंग कैम स्कैनर या कोई और ऐप को यूज़ करके आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू उसको PDF कन्वर्ट करके डैशबोर्ड पे अपलोड कर सकते हैं। विदिन 5-6 वर्किंग डेज आपका जो पेपर है वो चेक होके आपको आ जाएंगे विथ कमेंट्स मैंशनड ओवर देयर। फ्रेंड्स, स्पेशल काउंसलिंग सेशन भी होते हैं फर्स्ट ओपिनियन में, जिसमें आपको अगर कोई डाउट है स्टडीज से रिलेटेड, या आपके टाइम टेबल से रिलेटेड, या फिर कुछ पेपर देने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आपको अपना टाइम टेबल रीशेड्यूल करने की नीड है, तो उस केस में रीशेड्यूलमेंट भी होता है, या फिर चेकिंग से रिलेटेड आपको कोई डाउट है, तो हम स्पेशल काउंसलिंग सेशन में आपके ये सारे डाउट्स जो है क्लियर करते हैं। तो इसके थ्रू स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आपकी पूरी प्लानिंग और प्रिपरेशन जो है बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से होती है। और अगर आप ये पूरा शेड्यूल 100% फॉलो करते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक आप सारी यूनिट टेस्ट और सारी फुल टेस्ट अपीयर करते हैं, अपने कमेंट्स को सीरियसली लेके नेक्स्ट टेस्ट में अगर इम्प्रूव करते हैं, तो बिलीव मी देयर आर वेरी ब्राइट चांसेस कि आप जो है सी फाइनल के एग्जाम्स को बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको अटेम्प्ट्स लगते हैं, उनको बेसिकली ये ही नहीं पता होता है कि उनकी एग्जैक्टली मिस्टेक क्या हो रही है, वो बेसिकली क्या चीज़ गलत कर रहे हैं जिनके कारण उसके मार्क्स हर बार डिडक्ट हो रहे हैं। तो ये चीज़ आपको पॉइंट आउट करके मिलेगी फर्स्ट ओपिनियन टेस्ट सीरीज में। विजिट द वेबसाइट firstopinion.in। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप इस नंबर पर कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, 9519518353043। इस नंबर पे आप कभी भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन केस ऑफ एनी क्वेरीज। थैंक यू।